बच्चों के द्वारा किया गया शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक। सोमवार को एक्शन एड व एबीसीएल के सहयोग से जनपद मिर्जापुर के ब्लॉक हलिया के ग्राम पंचायत हलिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम 8 सितंबर से 14 सितंबर तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज बच्चों के द्वारा चार्ट पेपर पर स्लोगन नारा शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु एवं 100% बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति को लेकर बच्चों के द्वारा नारा बोलते हुए गांव के प्रभात फेरी का कार्यक्रम करवाया जाए, जिसमें बच्चों द्वारा निम्न प्रकार के नारे बोले गए। आइए दिखाते हैं संतोष कुमार की इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम कृपा शंकर त्यागी है। कृपा शंकर त्यागी है। ये कुछ बच्चे आपके साथ में हैं, किस संस्था से चल रहा है ये? एक्शन एड नई पहल एक संस्था चल रही है जो कि मिर्जापुर में यूनिसेफ के संचालित द्वारा जी, और जो कि ये नई पहल संस्था बच्चों के राइट्स पे काम करती है जी, जी। और ये बच्चों के हक और अधिकार के लिए और बच्चों के शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ये संस्था मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के 12 ब्लॉक में काम कर रही है जी। ये कौन सा गाँव है? इसमें हम हलिया ब्लॉक में है और ग्राम पंचायत भी हलिया है। अच्छा, हलिया है। अच्छा, तो जैसे इन बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देते हैं आप लोग या किस प्रकार जागरूकता दे रहे हैं? हम लोग ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं जो कि ड्रॉप आउट है, और कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो कि शिक्षा से वंचित है, उन बच्चों को हम अपने शिक्षा प्रेरक वॉलंटियर प्रेरक सदस्यों के माध्यम से, और हम लोग एक सूची सर्वे कराते हैं और जो कि सर्वे करा करके उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं ताकि उन लोगों की शिक्षा सुनिश्चित बनी रहे जी। जी, अच्छा, बच्चों को कुछ वितरण भी कराते हैं? जी सर, जो कि समय समय पर कोई कैंपेन या फिर कोई अभियान निकाली जाती है, जैसे कि स्कूल चलो अभियान रैली, या फिर नामांकन को लेकर के या फिर अटेंडेंस को लेकर के जो भी कैंपेन निकाली जाती है, रैली निकाली जाती है, या फिर कोई चित्रकला या फिर कोई कार्यक्रम जो कि बच्चों के माध्यम से किया जाता है जी, जी, तो उन लोगों को उस समय में बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है जी। ठीक है, तो जैसे इस समय तो काफ़ी दिनों से स्कूलें बंद चल रही हैं लॉकडाउन या कोरोना की वजह से, इसमें आप कैसे संभव समझ रहे हैं? इसमें सर यह है कि वर्तमान समय में जैसे कि महामारी कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन की वजह से परिषदीय विद्यालय हमारे सभी बंद हैं, हमारे हलिया की नहीं बल्कि मिर्जापुर पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे प्रदेश के विद्यालय बंद हैं, लेकिन हम लोग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए उनके पेरेंट्स जो उनके गार्जियन हैं उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि जब तक विद्यालय लॉकडाउन की वजह से महामारी कोरोना की वजह से विद्यालय बंद है तब तक आप लोग अपने बच्चों को घर पर ही कम से कम डेली नियमित 2 से 3 घंटे तक शिक्षा सुनिश्चित कराने का काम। आपका संस्था ये है, संस्था सिर्फ ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है कि शिक्षा है, शिक्षा देने का भी काम करता है? शिक्षा देने का भी काम करती है। और किस प्रकार देती है शिक्षा? और ये संस्था ज़्यादातर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं, स्कूल से जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें जो आप हैं तो किस कार्य पर कार्यरत हैं, किस पोस्ट पर हैं? मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ से हूं, नई पहल ADC मेरा पोस्ट है मिर्जापुर। ठीक है, जानकारी देने के लिए। मैडम जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम धर्मावती है। धर्मावती है। इस बच्चों के बीच में आप उपस्थित हैं तो ये शायद आपके द्वारा ही बच्चे इकट्ठा हुए हैं? जी सर, मेरे द्वारा इकट्ठे हुए हैं ना, अभी आज हम इसमें मतलब देख रहे हैं कैसा काम क्या हो रहा है इसमें देख रहे हैं। चलिए, आप ये सर द्वारा जानकारी मिली आपको तो आपने इन बच्चों को इकट्ठा किया, इस प्रोग्राम या कार्यक्रम को करवा कर रोड पर रोड शो जैसा निकलवा कर लोगों को आपने पढ़ने लिखने के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही हैं? हाँ जी सर। ये आपको लगा कि बड़ा अच्छा है इसलिए आप आकर इसमें काम करना चाह रही हैं? अभी तक आप काम कर रही थी? नहीं सर, ये शिक्षा प्रेरक के तहत मैं बच्चों को इकट्ठा किया। इसके पहले कुछ करती थी आप? सर पहले काम की है लेकिन इस समय मेरा काम बंद चल रहा था तो हम इसमें सोचा जुड़ के काम करें। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत